नमस्कार दोस्तों, आज है 12 जुलाई। 12 जुलाई के सभी शैक्षणिक समाचार में इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आप रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो रीट एग्ज़ाम के लिए एकदम फ्री ऑनलाइन टेस्ट और फ्री नोट्स आपको और प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से ऐप को डाउनलोड करें और डेली उसमें रोज़ाना डे वाइज टेस्ट लगते हैं, तो टेस्ट का आनंद लें, बिल्कुल फ्री है। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। आरएस भर्ती, चार भर्तियों के में विवाद, 2018 ने दिया सर्वाधिक टेंशन। चार भर्तियां कौन सी? आरएस 2012 स्केलिंग विवाद हुआ उसमें, आरएस 2013 उसमें पेपर लीक का मामला देखने को मिला, आरएस 2016 उसमें 15 गुना पास का मामला मिला, आरएस 18 विवादों का आम बार है, यानी विवादों का तो कोई बात ही नहीं, देख सकते हो बहुत ज़्यादा विवाद है इसमें देखने को मिले। आरपीएस में भ्रष्टाचार का मामला, आरपीएस सदस्य राजकुमारी के पति बैरन सिंह से जल्द होगी पूछताछ, कनिष्ठ लेखाकार सज्जन सिंह और प्राइवेट व्यक्ति नरेंद्र पोसवाल ने उगले हैं कई राज, चल रहा है तिकड़ी का तंत्र और ममता। निजी स्कूल में हो रही थी कोरोना गाइडलाइन की अवेला, कक्षा में 50-60 विद्यार्थी कर रहे थे पढ़ाई, कमेटी ने वीडियो बनाया तो मोबाइल छीना और पीओ ने जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी रिपोर्ट। संघ लोक सेवा आयोग 838 पदों के लिए नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। गार्गी पुरस्कार के आवेदन 20 जुलाई तक मांगे हैं, 20 जुलाई तक आप कर सकते हो आप आवेदन गार्गी पुरस्कार के लिए। CIIC 10वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम पर कोरोना की कैंची चली है, फिर विद्यार्थियों को मिलेगी इसमें राहत। राजस्थान नई शिक्षा नीति, CBSE यूनिवर्सिटी और कॉलेज में लागू होने से अभ्यर्थियों पर होगा ये असर। विश्वविद्यालय में अगस्त के पहले सप्ताह में परीक्षा संभव, तैयारियां परवान, विधि संकाय में ऑनलाइन परीक्षाओं की मांग मुखर। विधि छात्रों ने कहा अन्य विश्वविद्यालय प्रोजेक्ट आधारित ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं तो व्यास विश्वविद्यालय को क्या आपत्ति है, संकाय में भी ऑनलाइन की मांग तेज हो रही है। डी यू यूनिवर्सिटी उसमें दाखिले अगस्त के पहले हफ्ते में संभव हो सकेंगे और प्रैक्टिकल देने स्कूल जा रहे बच्चे। प्रदेश में अभी नहीं खुले स्कूल, शिक्षा विभाग चाहता है स्कूल अनलॉक हो, लेकिन रिस्क लेने के मूड में नहीं है सरकार। आज के समाचार।